मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। शोले के कितने आदमी थे से DDLJ के बड़े बड़े देशों में, जैसे ढेरों सारे आइकॉनिक डायलॉग्स बॉलीवुड ने हमें दिए, जिन्हें आज भी हम कहीं ना कहीं सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डायलॉग्स है जो कि बहुत बुरे थे, जिनसे कोई मतलब ही नहीं बनता, वो इतने बुरे थे। आज के इस एपिसोड में हम बॉलीवुड के कुछ सबसे खराब डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। मेरे लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मार मार मार। आर राजकुमार को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद लीड रोल में थे। इस अगले डायलॉग में हिमेश अपने मूतने की पावर समझा रहे हैं। जिसने भी ये डायलॉग लिखा है उसे 21 तोहफों की सलामी तो बनती है। खून खराबे से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। सनी देओल अपने डायलॉग्स के लिए कितने फेमस हैं। उनके कुछ डायलॉग्स तो आइकॉनिक हैं, मगर सिंह साहब द ग्रेट में का ये डायलॉग वर्स्ट डायलॉग में तो जरूर आएगा। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। बॉक्स ऑफिस पर राउडी राठौड़ ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। ये फिल्म 2006 की तेलुगु फिल्म विक्रमार कुड़ू की ऑफिशियल रीमेक थी। राउडी राठौड़ को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के गाने और डायलॉग्स बहुत हिट हुए थे, मगर कुछ डायलॉग्स तो क्रिंजी थे ही। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। लगता है सस्ता वाला गांजा फूक के ये डायलॉग लिखा गया है। राइटर महाशय ने किस तरह से राइम किया है, जैसे कि कोई काव्य की प्रस्तुति हो। मतलब जान जाए लेकिन संभोग होने न पाए। अगला वाला जो डायलॉग है वो सलमान भाई की 2011 के फिल्म बॉडीगार्ड से है, जो एहसान पर आधारित है। करें कि ना करें, टू डू और नॉट टू डू। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, ना कमिटमेंट ना अपॉइंटमेंट, ओनली पनिशमेंट। फिल्म एक्शन जैक्सन आई थी 2014 में, जिसके डायरेक्टर थे प्रभु देवा। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और क्रिटिक रिव्यूज भी निगेटिव ही थे। प्रेम अगन जो आई थी 1998 में, जिसे फिरोज खान ने अपने बेटे फरदीन खान के लिए बनाया था। फिल्म में मेघना कोटारी का ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। मुझे वो हसीन दर्द दे दो। समझ रहे हो ना? जिसे आज के बाद मैं किसी दूसरे के साथ ना बांट सकूं। ओवर द टॉप एक्टिंग और क्रिंजी डायलॉग्स के वजह से फिल्म खराब होते हुए भी इस मसाला फिल्म की कल्ट फॉलोइंग थी। लिस्ट के अगले इस डायलॉग में पनीर किसका होना चाहिए, इस विषय पर गहन मंथन हो रहा है। 2013 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। जावेद, दूध में नींबू जिसने डाला, पनीर उसका। चाइना गेट जो आई थी 1998 में, जिसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी राजकुमार संतोषी थे। फिल्म में मुकेश तिवारी ने जगीरा का रोल निभाया था। मुकेश तिवारी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, तब उनको यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन एक्टर माना जाता था। इसी कारण से उनको चाइना गेट में इतने बड़े कलाकारों के सामने ये रोल मिला था। उनका ही डायलॉग आज के हमारे इस लिस्ट में है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। रेस 3 पर अब तक कितने मीम बने हैं। फिल्म को लोगों ने IMDb पर 1.9 की रेटिंग दी थी, और डेजी शाह के बिजनेस वाले डायलॉग पे तो रिसेंट पास्ट में सबसे ज्यादा मीम बने हैं। हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। कांति शाह की फिल्म गुंडा शायद एकेडमिक रिसर्च का विषय हो सकती है। उनके इस फिल्म के डायलॉग्स पर हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने एक ही डायलॉग लिया है जो कि सदी का सबसे खराब डायलॉग का खिताब जीत सकता है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।